ब्रीफिंग तो किया नहीं अभी। हाँ हमें कुछ बहुत 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 ज़्यादा। हाँ हमारा नया शो आ रहा है दिल ढूंढता है 21 सितंबर से 10:30 PM and we are very 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 excited. Actually excited and apparently this is my first ever show in Hindi, so मैं debut कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ। हाँ जी के साथ नया रिश्ता है और मतलब obviously ज़्यादा देर स्क्रीन से दूर रहना I don't like it and जो भी हमारा शो है वो बोला जाए तो मैं बहुत कुछ ऐसे नहीं बोलूँगी कि इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी स्वीट एंड आई थिंक इट विल कनेक्ट टू विद द ऑडियंस। हाँ बिल्कुल, पर वो हमने 15 अगस्त के लिए रखा है, मतलब आज हम ऑरेंज और वाइट इसलिए है क्योंकि जी का लोगो भी ऑरेंज और वाइट हो गया है। सो या अच्छा जो व्यूअर्स है व्यूअर्स के लिए सबसे पहले शो के बारे में बताते हैं, जितने भी लोग मुंबई आते हैं जो भी लोग यहाँ पर बाहर से आते हैं वो एक चीज़ सोचते हैं कि यार हमारा एक प्यारा सा घर हो, तो जो भी हमारे प्रोमोज हैं वो यही बता रहे हैं कि अगर सपने देखने हैं तो छोटे क्यों देखें, बड़े सपने देखें और बड़े सपने वो भी सबको साथ में ले जाके। और विषय जो है वो एक्चुअली थोड़ा सा कंजर्वेटिव सा है, वो बहुत प्रैक्टिकल है, तो रावी जो है वो विषय को और ज़्यादा बड़ी सोच देती हैं और ज़रा प्रैक्टिकल चीज़ों से बाहर निकलकर और हैप्पीनेस सीख करने के लिए मदद करती है। देखो अभी मैं तो ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ही डिफरेंट कुछ कर रही हूँ, इट्स जस्ट दैट जैसे शिव्या है वैसे रावी है, एक छोटा सा सपना लेकर अपने शहर से यहाँ आई है और रावी भी वैसे ही है, वो बोलती है कि अगर सपना देखना है ना तो बड़ा सा देखना है, तो अगर सपना देखना है तो फिर शिव्या अगर नेशनल अवार्ड का देखती है तो फिर रावी एक बड़े से घर का, वो भी सबको साथ मिलजुल के लेकर। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम चिल मारने आई हो, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है तुमने जी के साथ, बहुत ही खास रिश्ता है, एक साल खत्म।